तो रास्ता है मिजान, आखिर इतनी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटे कि तुम्हारी खाला सफिया नैरोबी से इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। तो फिर उनके इस्लामाबाद पहुंचने की परेशानी है? अरे नहीं बेटा, 2:30 बजे की फ्लाइट से सफिया की बेटी नादरा लाहौर पहुंच रही है। अच्छा, तो नादरा की लाहौर पहुँचने की परेशानी है? फजूल बहस करते हो, फौरन जाओ नादरा को एयरपोर्ट से लेकर आओ। बेटे तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुम्हारी और नादरा की मंगनी करने का फैसला कर चुकी हूँ। मेरी मंगनी मुझसे पूछे बगैर? अम्मी जान, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोला करते बेटे। अच्छा तू जल्दी जा, जहाज आने में थोड़ी देर रह गई, चल चल जल्दी। लेकिन अम्मी जान, मैं अपनी होने वाली मंगेतर को पहचानूंगा कैसे? ओहो बेटा, एयरपोर्ट पे अनाउंस करवा देना, या फिर जो लड़की किसी की मुंतजर दिखाई दे उससे बाहर पूछ लेना। अम्मी जान, जितनी एयरपोर्ट पे लड़की मुंतजर दिखाई दे उन सबको घर ले आऊं? पागल, चल चल जल्दी जा। अच्छा जो आपका हुक्म है। पागल है। एक्सक्यूज मी, आप मिस नादरा है ना? जी हाँ, फरमाइए। बड़ी मुश्किलों से तलाश किया है आपको, अक्सर लड़कियों से मार खाता खाता बच्चा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? करना क्या है, घर चलिए। देखो मिस्टर, मैं उन लोगों को सख्त नापसंद करती हूँ जो मेरे साथ ब्लॉटिंग पेपर की तरह चिपकने की कोशिश करते हैं, समझे? क्या बात है साहब, बहुत गुस्से में? इस बात की उल्लू का पट्टा। ये किस जुर्म की सजा है? चलो हमेशा बैठो गाड़ी में।
चलो। जी हाँ। कहाँ है वो? जहन्नम में गई है। क्या बकवास कर रहा है? चली ही जाए तो बहुत अच्छा है अम्मी जान। कैसी बातें कर रहे हो? मजबूरन कह रहा हूँ। अम्मी जान दाद उस दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तुम्हारे इस दर्द से नादरा का क्या बात है? वो आपकी भांजी ने लाई गए ना नादरा, उसने भूख कस के थप्पड़ मारा गया, मैं चपड़ा मारा गया। अरे नादरा ने तुम्हें मारा? मैं नहीं मान सकती। मान लीजिए बेगम साहबा, इसलिए कि वापसी दाग का थप्पड़ मैंने भी खाया। पूछ लो ये सब क्या हो गया, मेरी समझ तो बाहर है। वो लड़की तो शहर में किसी को जानती भी नहीं, कहाँ ठहरेगी? मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? अरे तुमने उसको साथ आने को तो कहा होता भाई बेटे। ये थप्पड़ के बाद भी मेरा मतलब उसका क्या बनेगा? हमें क्या पता उसका क्या बनेगा? जवान लड़की अकेली, परदेश का मामला, उसे कहाँ तलाश करूँ? अब खुद ही सब होटलों में खाक छानती हूँ, जाती हूँ ढूंढने से। दूसरा भी आप कमरे में चले, सामान वहां पहुंच जाएगा। थैंक यू। अब कहीं जाकर पीस ऑफ माइंड मिला है। उस बेहुदा लड़के ने एक पिता मूड ऑफ कर दिया था। लेकिन आंटी को तो फोन करो, वो बेचारी तो बेकसूर है। बोल रही हूँ नादरा बेटी। अरे भाई तुम कहाँ गुम हो गई हो? मैंने तो तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ तलाश किया, अब बोल कहाँ से रही? होटल से आंटी। होटल में चली गई हो? आखिर क्यों? ओ आंटी, एक तो आपके बेहुदा बेटे ने आते ही एकदम मेरा मूड ऑफ कर दिया। लगता है आपकी भांजी साहिबा ने फोन पर हल्की फुल्की चपत आपको भी रसीद कर दी है। साहिब। हो आंटी, आपका बेटा तो एकदम छिछुड़ा है, इसलिए मैं इसलिए कि बच्ची मैं तुझे होटल में नहीं रहने दूंगी। अरे मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? इनकी अम्मा को तो मैं जवाब दूंगा। बकवास बंद करो। मेरा मतलब है अगर आप मेरा मशवरा माने तो उसको वहां पे लेने मत जाए, नहीं तो वो कयामत टूट पड़ेगी कि सबके चपड़े बाहर आ जाएगा टरंग करके। बच्चियाँ गलती करें तो बड़ों को माफ कर देना चाहिए। अच्छा जाने मैंने तेरी कौन कौन सी गलतियाँ माफ की। लेकिन अम्मी जान, ये गलती माफ नहीं होगी, ये कुजूर होगा। बकवास बंद करो। या मेरे मौला, मेरी माँ को माफ कर देना, बड़े खूबसूरत दांत कहीं बाहर ना आ जाए सबके सब। गलती मेरी कैसे है? वो तो मेरे साथ प्लॉटिंग पेपर होना चाहता था आंटी। मैं लड़की हूँ सर, डिफरेंट नेचर की। ओहो, तुम अपनी नेचर को तरफ रखो और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। घर जाने की कुछ शर्तें होंगी आंटी। एक तो आपका बेहुदा बेटा मुझसे लेस नहीं होगा। फिर वही पागल पर। तो क्या आप जानबूझकर उसको मेरे साथ चिपकाना चाहती है? मम्मी, और आप जो गड़बड़ करना चाहती है ना, वो गड़बड़ मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं लड़की हूँ जरा डिफरेंट नेचर की। दूसरी मुझे आदत है रात 2 बजे से 3 बजे तक डांस करने की। 3 बजे के बाद मैं खाना खाती हूँ, आपके नौकर स्ट्राइक कर जाएंगे। ओहो, मैं तुम्हारी खातिर नौकर को भी समझा दूंगी। चलो उठाओ ये सामान और सिर्फ मेरे साथ घर चलो। हाँ जी, प्लीज प्लीज आंटी, मुझे घर मत ले जाइए। हाँ ओहो बेटे, अच्छे घरों की बेटी इस तरह होटल में नहीं रहा करती। अच्छा चलो उठाओ सामान और इसी वक्त ये कमरा चलो। ओके ओके, जैसे आपकी मर्जी, नतीजा आपको भुगतना पड़ेगी। हाँ जी, आपने तो प्रॉमिस किया था कि इस बेहुदा से मेरा आमने सामने नहीं होगा। अम्मी जान,
अपने भांजी से कहिए कि अपनी जबान को काबू में रखे। ओ माय गुडनेस, बेकाबू खुद हो रहे हो और इल्जाम मुझे देते हो। हाँ जी, ये तो बताए यहाँ की औरतें जिंदा कैसे रहती हैं? उधर अफ्रीका में बहुत सारे जानवर हैं, वहाँ की औरतें कैसे जिंदा रहती हैं? मालूम होता है तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत कमजोर है। तुम अफ्रीका की औरतों के बारे में क्या जानते? मैं कहता हूँ कि बेटा नादरा हमारी मेहमान है। मेहमान है। अम्मी जान, मुझे एक बात तो बताइए। जी बेटा। क्या आपके सारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं? और अगर है तो मैं उनके साथ एक पल गुजारा नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन। हो गई ना खोल बात, मैंने पहले वार्न किया था। खैर छोड़िए, ये बताएं मुझे ठहरना कहाँ है, मेरा कमरा कौन सा है? आई मीन गेस्ट रूम। मेरा कमरा है जाहिर का कमरा है, जहाँ जी चाहे ठहर जाओ। आओ आओ मिस। ओके साहब जी। ये मिस साहबा और कितने दिन ठहरेंगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है यूं सड़कों पर आवारा गर्दी करने के बजाय किसी होटल में कमरा ना ले ले। बगमत, जो गले में मुसीबत पड़ गई है वो तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें जान की खातिर। मेरे लिए कमरा ठीक है आंटी, मगर ये तो जाहिद का कमरा है। कोई बात नहीं है आंटी, कुछ दिन उस बेहुदा के कमरे में गुजार लूंगी। और हाँ आंटी, मुझे याद आया कल कुछ दोस्त अफ्रीका से आ रहे हैं और मैंने उन्हें लंच पे बुलाया है। ठीक है, खान सामा को बता दो क्या क्या पके। नो आंटी, खान सामा को आप बता दीजिए। और हाँ, इतना ख्याल रखिएगा खाने अगर ठीक से ना पके तो मैं खान सामा को गोली मार देती हूँ। ये क्या कह रही है बेटी? हाँ आंटी, मुझ पर अफ्रीका में तीन खान सामों के कत्ल का मुकदमा चल रहा है। मेरा ख्याल है बड़ी हो जाऊंगी आंटी, इसलिए कि मौके का कोई गवाह ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं अब चलूं? हाँ चलूं। गाड़ी रोक लीजिए साहब जी। क्यों? गाड़ी रोक लीजिए साहब जी। क्यों? आपके साथ तो ट्रेडी हो ही रही है साहब जी, मुझे तो घर जाने की इजाजत दीजिए। मेरी नई नई शादी हुई है और वो मेरी बीवी है ना, वो उम्र की जरा बड़ी है, वो बीवी कम और माँ ज्यादा लगती है, घर देर में पहुंचने पर नाराज होती है। वैसे भी मुझे ओवर टाइम लगाने की आदत नहीं। थैंक यू साहब जी। आज आप कौन से घर जाएंगे? आपके यहाँ ना चले? चलिए। पुतली, मेरी मिट्टी की पुतली। जाने जिगर, शोहर को सुसरा कहने से निकाह टूट जाता है। आराम से आराम से, पाँव की इज्जत को पाँव में ही रहने दो। अच्छी बीवी शोहरों का इस्तकबाल हमेशा मुस्कुरा के किया करती है। ऐसी खौफनाक शक्ल बनाने वाली बीवियों के शोहर हमेशा दूसरी शादी कर लिया करते हैं। दूसरी शादी किया कर लेते हैं। अभी बताती हूँ। बड़ा तेज निशाना है तेरा, लगता है बचपन में अखरोट खेलती रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और बर्तन आ जाएंगे। आई तो मैं स्टील के बर्तन लाऊंगा। कहाँ था तू इस वक्त तक? ड्यूटी पर। किसकी ड्यूटी पर? अपने मालिक की मंगेतर की ड्यूटी पर। अच्छा। हाँ, वो मालकन भी ऐसी, उसने आते ही मालिक के झापड़ लगा दिया। अच्छा। हाँ? मैं क्यों पीछे रहूं? ये दूसरा लगा, अब दूसरे में जरूर लेके आऊंगा। तू दूसरे लेके आएगा? Thank you.
क्या मुसीबत है? ये दावत की तैयारी हो रही है सरकार। दावत की तैयारी है? अम्मी जान कहाँ है? अम्मी जान खानों की तैयारी में मसरूफ है। वो अफ्रीकी खानों के नाम याद कर रहे हैं। नाम है वोडिस वोडिस कई हुई है। अफ्रीकी खाने? जी हाँ जी। न जाने इस घर में क्या मुसीबत आने वाली है। भगवा दिया तुमने। खैर आ गए हो तो फ्रेम लेकर मेरे पांव पर मसाज कर दो। यू शट अप, तुम मुझे समझा क्या है? मेरे सब काम नौकरों को करने पड़ते हैं, आज तुम खुद ही ट्राई कर लो। अखबार बंद करो। मिसबिहेव करता है इडियट। यू इडियट शट अप, आप अखबार बंद करो। निजान, ये आप क्या कर रही है? वो है ना, अभी तेरी बात सुन। दशमी में क्या देख रही है? स्पेशल डिश के लिए स्पेलिंग देख रही हूँ। यानी कि आप अपनी उस नालायक भांजी के हिजाब पर नाच रही है जिसने इस घर का सुकून चुपचाप कर दिया, बर्बाद कर दिया। लीजिए, आपकी भांजी के रिश्तेदार आ गए हैं। वो नादरा का दोस्त है, हमको नादरा ने बुलाए। कौन नादरा? मेरा ख्याल अपने बाथरूम में है। अम्मी जान, मेरी ससुराल वाले आए हैं। अपनी अपनी पसंद है, अम्मी जान सब इनकी पसंद है। चुप रहो भाई। नादरा बेटी, कुछ तो ख्याल करो, ये तुम्हारे दोस्त आंटी, ये मेरे मेहमान हैं। आप इनसे आराम से बात करें। आप इनसे आराम से बात कीजिए, यानी कि ये आपको गुफ्तगू नए अंदाज से करने के लिए आई है। ये बेहोशियत घर में बहुत होगी। मैं जा रहा हूँ, हम वक्त मेरी टोली उठाने के लिए आए थे। ओहो, क्या पुराने ख्याल के लोग हैं, इसलिए तो इनको मैं बर्दाश्त करूंगी, वरना मैं तो दो मिनट में चम्बुचट बना देती। जब तक आपकी भांजी इस घर में रहेगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अम्मी जान, मेरी बात तो सुनो बेटे, ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आप इस देवता से मेरी शादी करना चाहती हैं? अब तो मैं खुद पछता रही हूँ बेटे। आइए आइए आइए, गाना सुनिए।
मेरे दिल पर दिल भरा झिम झिम चका चका झिम चको चका झिम 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 चको हंगामा किए जा गाई जा मस्ती में यूं ही ले गाई जा मेरे दिल पर दिल भरा बस चले तेने कत्ल कर दूं सबको। आंटी अपने बेटे को समझाइए मेरे दोस्त खाने पर आए हैं। खाना मैं इनको खिलाऊंगा मैंने शूट नहीं कर दूंगा। ओ शराब पियो कबूतर। आई से यू शट अप अफ्रीकन कबूतर। मैं इस सेंसर का बदला लेकर रहूंगी। कौन सा मां ये बीबी जी खाना लगाओ। खाना गैराज में लगा दो। ये मेरी आंटी का घर है तुम कौन होते हो बेटी ये तुम्हारे दोस्त खाना खा के चले जाएंगे ना। नहीं ये खाना खा के यहीं रहेंगे। आप इन कंकड़ों को गवारा कीजिए मैं जा रहा हूँ। जाहिर जाहिर बेटे आसमा जल्दी से खाना लगा दो। बहुत अच्छा जी। मैं हूँ लड़की जरा डिफरेंट नेचर की। जो लड़के ब्लॉटिंग पेपर बनकर चिपकने की कोशिश करे मैं उनसे नफरत करती हूँ। हम मैं सर्वेंट समझी थी। खैर आ गए हो तो क्रीम लेकर मेरे पाँव पर मसाज कर दो। यू शट अप। सर वो एक प्रॉब्लम थी सर। मुझे दो रोज की छुट्टी चाहिए। मेरे लिए एक रिश्ता आ रहा है और लड़के वाले मेरे घर मुझे देखने आ रहे हैं सर। बंद करो ये बकवास वरना मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। जी सर मैंने क्या किया है मेरा क्या कसूर है। माफी चाहता हूँ मिस फिरोजा मैं कुछ अपनी परेशानियों में मुब्तला हूँ। कोई बहुत ही बड़ी परेशानी लगती है। एक बेहुदा लड़की ने हमारे घर के सुकून को तबाह कर दिया है। ये खाना पकाया है क्या बकवास है। ये
अम्मी जान, मैंने फैसला किया है कि आज रात में घर नहीं आऊंगा। घर क्यों नहीं आओगे बेटे? मेरी बात तो सुनो। तुम समझते हो मैं चली जाऊंगी? जंगलियो, मैं अपने इंसल का बदला लिए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। कम नहीं है इसकी धमकियां। कौन है जो इन हालात में घर से बेजार नहीं होगा? अरे बेटे, वो तो सुबह जाने का कह रही थी। मैं यहाँ एक महीना रहूंगी और तुम सबके दिमाग ठीक कर दूंगी। ये नादरा नहीं किसी टार्जन की बेटी है मीजान, मैं किसी सूरत घर नहीं आऊंगा। अच्छा रात को नहीं आएगा तो सुबह नाश्ते के वक्त तो आ जाना। देख तुझे मेरी कसम। अपनी कसम दे के किस मुसीबत में डाल दिया है मीजान। अच्छा खुदा हाफिजी। मैं क्या करूं या इलाही, किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? कहां जाऊं, क्या करूं खुदाया? मेरा बेटा तो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया। शर्फू जी, चलो नाश्ता लगाओ। अच्छा जी। और हाँ सुनो जी, नादरा उठ गई? जी वो तो सुबह 6 बजे के जहाज से चली गई है। चली गई? अम्मी जान, मेरा सामान पर मेरे कमरे में शिफ्ट कराइए। पहले नाश्ता तो कर। नाश्ता तो बाद में करूंगा, पहले चिकन बिल्ली के जाने की खुशी में जश्न तो मना लू। खुश होगी उल्लू, खुश होगी बाजी, खुश होगी चाय, खुश होगी गजिया, खुश होगी बेवकूफ। ये दिया चाहो तो शर्मू इकबाल जी सरकार, जी सरकार, तुम ये कहां लग गए हो? पहले मेरा कमरा जीजी से साफ करो और बुनियाद से धो डालो, उसके बाद मेरा सामान शिफ्ट करो। बहुत बेटा सर। न जाने उसने सफिया से क्या क्या बातें बताई होंगी, पर सफिया से बात तो करके देखो। आप क्या बात करेंगे अम्मी जान, क्या करें उससे? बारन कर दिया सुप्री गंदी बच्ची ने। हेलो हेलो, कौन? सईदा बाजी जी। जी मैं सफिया बोल रही हूँ। हेलो सफिया, नादरा खैरियत से पहुँच गई है ना? जी हाँ खैरियत से पहुँच गई है। आप लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? जी 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 अच्छा। हाँ हाँ जी, मैं कह रही थी कि जाहिद बेटा कैसा है? अब तो उसे भी 1-2 रोज के लिए भेज दीजिए ना। 1-2 रोज के लिए जाहिद को भेज दो? अरे फिर तुम्हें उसे कुछ काम है, शायद वो ना आ सके। नहीं नहीं नहीं, उनसे कहिए कि मैं कल सुबह के जहाज से आ रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ मीजान, और उनसे ये भी कहिए कि अपनी साहबजादी को एयरपोर्ट पे भेज दे ताकि वो मुझे घर का पता मालूम नहीं है। है ना सफिया? अच्छा ऐसा करो, वो सुबह के जहाज से आ रहे हैं, तुम नादरा को एयरपोर्ट पे भेज देना। जी जी बेहतर, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ये तो मैं बताऊंगा। आदमी में जरा बदतमीज सा हूँ, मुझे ऐसी बेबाक लड़कियाँ पसंद नहीं जो साथ चिपक के रह जाए, समझी? इडियट, नॉनसेंस। थैंक यू। चलिए। ओके। अरे सुनो तो, टैक्सी।
एक लोफर सोफर ट्रेटर में मेरा पीछा कर रहा है, उसे चेक करें। उसे कुछ कहा? जी। जाहिद आ गया नादरा बेटी? हाँ मम्मी, मैंने उसे वो रिसेप्शन दिया है कि जिंदगी भर याद रखेगा, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। अच्छा, कहाँ है वो? बाहर कुछ लोगों को इंटरव्यू दे रहा है। अरे अरे दसाजे साहब, मेरी बात तो सुनिए। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप जैसे लोफर और लफंगे लड़के शरीफ लड़कियों को तंग करते हैं। अरे साहब, मैं लोफर नहीं हूँ, इंतहाई शरीफ और मासूम बच्चा हूँ। आपको मेरी सूरत से नजर नहीं आ रहा मैं कितना शरीफ आदमी हूँ? आंटी, आप आंटी है ना? हाँ। मैं आपका भांजा भांजा जाहिद बेटा हूँ। ये देखे ना, पुलिस वाले मुझे नजायज तंग कर रहे हैं। बात क्या है जी? देखिए जी, अभी अभी जो खातून अंदर गई है उन्हें ये रास्ते पर तंग करते रहे जी। देखिए, आपने जो कुछ सुना और उसने जो कहा वो गलत है। ये लड़का मेरा भांजा है और वो लड़की इसकी मंगेतर है। सुना आपने? प्लीज आप तशरीफ ले जाइए और मेरे बेटे को खाम खा तंग न कीजिए। चलो बेटे। खुदा हाफिज़ साजिद साहब, आप फिर कभी अच्छे हालात में मुलाकात होगी। इसे रहने दो बेटे, नौकर ले जाएंगे। चलो। अजीब बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाले गलत कह रहे हैं या नादरा बेटी से कोई गलत बात होगी। नहीं नहीं आंटी, वो तो इतनी नेक लड़की है कि गलत बात कर ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो बेटे, मेरी बहन क्या समझेगी? मैं उसे जाकर पूछ लूंगी। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ ना पूछिए, मैं उनसे खुद बात कर लेता हूँ। कहाँ है वो? अपने बेडरूम में, जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं पूछ लूंगी। जी बे, मैं माकूल लड़की ना होता। परवरदिगार, जिनकी आंखों का नूर छिन चुका है उन्हें इतनी रोशनी दे कि वो सच और झूठ की पहचान कर सके। क्या कहा उसने? आती क्यों नहीं? चार नमाज से बैठी दुआएं मांग रही हूँ। उफ अल्लाह तौबा, एक तो इस लड़की की नमाजें दम नहीं लेती, पांच वक्ता नमाजी है भी, हजन क्या मजाल है जो कोई नमाज कजा करे, तहज्जुद गुजार भी है। जी हाँ जी हाँ, जो कुछ आपने खुद ही बयान किया ना, ये सब उनमें है। दोस्त है? जी आंटी, आप मुझे ये बताइए कि हमें ठहरना कहाँ पर है? वो नादरा ने तुम्हारे लिए खास कमरा तैयार किया था अपने बराबर वाला, तुम्हारे ये दोस्त है बाप। सब यहीं ठहरेंगे। कम ऑन फ्रेंड्स। Thank you.
है यार? ये क्या है? ये है मिट्टी का लोटा। अच्छा, इससे तुम ड्राइंग रूम पर अटैक करोगे। और ये क्या है? ये है घड़ा, पानी पीने वाला। इससे मैं घर वालों के सर पे तोड़ूंगा। रेडी? रेडी। वन टू थ्री। ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, रिवाज है, एटिकेट है आजकल के मांझी चला। अच्छा, तो तुम मुझे एटिकेट सिखाने आए हो? तुम अपने बेहुदा दोस्तों से कहो कि वो यहाँ से फौरन चली जाए। क्यों मेरे दोस्तों से रहते हो तुम? तुम्हारे दोस्त इस काबिल है कि इन्हें शूट कर दिया। अच्छा, आप चुप रही है अम्मी, हमारे घर के मशरे के माहौल को गलीज कर दिया है इन्होंने। अपने दोस्तों से कहिए कि फौरन यहाँ से चले जाए। मैं इनके बगैर यहाँ नहीं रहूंगा। आपको कहता कौन है कि आप यहाँ रहिए? उठाइए अपना सामान और अभी और इसी वक्त नौ तो गहरा हो जाए। चलते हैं जाहिद, हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। चलो। मिस्टर, जाते जाते इस तोहफे को भी साथ ले जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आप चुप रही है अम्मी, जाइए। जाते क्यों नहीं? यह सामान उठाने के लिए किसी मुलाजिम को बुलाओ। इकबाल जी बेगम साहब, साहब का सामान उठाओ और बाहर फेंक दो। ड्राइवर से कहो कि ना पहुंचा दीजिए जहां भी जाना चाहते हैं, समझे? मुझे कुछ खबर नहीं कि सब क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है आंटी, कोई बात नहीं। चलो ड्राइवर। क्या ख्याल है और क्या इरादा है? तुम बड़ी फजूल लड़की हो। तुम आंखों के नहीं अकल के भी अंधे हो। मैंने अपना बदतरीन रूप तुम्हें दिखाया, तुमने उस पे भी बुरा बनकर दिखाया। जिंदगी का साथ ही चुना था। मेरी बुराइयों का जवाब अपनी अच्छाइयों से दिया होता, यह भी तो एक अंदाज है नजदीक आने का। मुझे तुम्हारा कोई अंदाज ही पसंद नहीं है, समझी हो? बस हाँ, तो फिर सोचते क्या हो? बॉक्स उठाओ पर चलते फिरते नजर आओ। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठना भी अपनी इंसल्ट समझता हूँ। तुम्हारा पीछा करना, तुम्हें समझाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ, मान भी जाओ ना। नहीं 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 मानूंगा। कब तक नहीं मानोगे? जब तक मैं दिल चाहेगा। अच्छा? सदके
दिल तो तुमने पहली नजर में लाहौर एयरपोर्ट पर लौट लिया था। मान जाओ, माफ कर दो। सच? सच। नादरा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ। कम वक्त दो घंटे से ट्राई कर रही हूँ, लाइन ही नहीं मिल रही।
पता तो चले कि जाहिद के साथ बेटी क्या है। बहुत ही खराब बेटी होगी बेगम साहिबा, मुझे तो उनके हाथ का अंदाजा है ना। आपने उन्हें अपनी जंगजू भांजी के पास भेजकर अच्छा नहीं किया। मेरा तो अंदाजा है कि साहब के दो चार दांत जरूर गायब हो चुके होंगे। चुप रहो बदतमीज बेहुदा। खाला जन मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? और तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? यही कि काफी नामाकुल लड़का है। लेकिन आज की राय में तो मैं कबूल हूँ ना। कुछ कुछ, मगर अम्मी और खाला की बिगड़ी हुई राय कैसे ठीक होगी? अरे भाई वैसे ठीक होगी कि तुम अपनी अम्मी को शादी की मंजूरी दे दो और मैं अपनी अम्मी को शादी की मंजूरी दे देता हूँ। कहता हूँ कि लड़की मुझे तीन बार पसंद है। इस जज्बाती से लड़की को पसंद तो कर लिया है, मगर इतना याद रखना, एक पल को भी नजरों से दूर किया या दिल से भुलाया तो मर जाएगी तुम्हारी नादरा। अरे इतनी मुश्किलों से तुम्हें पाया है नादरा, अब ना तुम्हें निगाहों से दूर कर सकता हूँ और ना दिल से। हाँ नादरा, अरे जाहिद तुम वापस कैसे आ गए? और ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? अम्मी अम्मी वो ड्राइवर बनकर मनाना पड़ा है इन्हें, इसलिए हुलिया बदला है। अभी तो तुम दोनों में तलवारें चल रही थी। खाला जान ये तलवारें उन गोलियों के जवाब में थी जो ये लाहौर में चलाकर आई थी। हैं? तो ये लाहौर में गोलियां चलाकर आई? पिछली बात दोहराने से फायदा? I'm sorry. It's all right. आंटी कोई बात तो थी जिसके लिए आपने नादरा को भेजा था और अम्मी जान ने मुझे। लेकिन तुम्हारे आने से मैं परेशान हो गई थी जाहिद बेटे। आंटी इस परेशानी को भूल जाइए और अम्मी जान से बात कर लीजिए। और एक बात और सुन लीजिए, हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। पसंद कर लिया है? लेकिन वो लड़ाई झगड़ा सब आरसी था। आरसी था? तो जाहिद बेटे मेरी सब उलझने खत्म हो गई। अभी करती हूँ तेरी माँ से बात। जी ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा था तुम्हारा। जी मैं भी तो आपको फोन कर रही थी। अच्छा जाहिद बेटा कैसे है? जाहिद जी बेटी जाहिद बिल्कुल ठीक ठाक है। और सुनिए जाहिद और नादरा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। पसंद कर लिया है? एक दूसरे को पसंद कर लिया, ये तुम क्या कह रही हो? जरा जाहिद को फोन देना। जी अम्मी आदाब। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटे, तुम उस लड़की से गुजारा कर लोगे? आप समझती नहीं अम्मी जान, मैं लाहौर आकर आपको सब कुछ बता दूंगा, बस आप आंटी से शादी का दिन तय कर लीजिए। शादी का दिन तय कर लूं? ये तो क्या कह रहा है बेटे? ठीक ही कह रहा हूँ अम्मी जान, बस आप मेरी बात मान लीजिए। तुम जरा फोन अपनी आंटी को दो। जी जी बाजी। तुमने नादरा बेटी से पूछ लिया है ना? अरे तो कि मैं अपने दिल से बात लगाऊंगी। शुक्रिया मेरे मौला। लेकिन बात यह है बाजी कि अभी सिर्फ निकाह होगा, ठीक है ना? 8 दिन बाद निकाह के लिए आ जाइएगा। बाजी सुनिए, मैं निकाह के बाद फौरन नैरोबी चली जाऊंगी। जी हाँ, और उसके 1 माह बाद इसके ताए चाचा के हमरा आकर फिर रुख्सती कर दूंगी। तुम जरा जाहिद को फोन देना। जी बेहतर। जी अम्मी। बेटे अब तुम फौरन आ जाओ। जी जी बेहतर। जी हाँ जी हाँ। अच्छा खुदा हाफिज़ अम्मी जान। खाला जान, अम्मी जान ने हुक्म दिया है कि मैं शाम को जहाज से वापस पहुंच जाऊं और जैसे आपने कहा है उसकी तामील की जाएगी।
तूने दिन को भी शराब पीनी शुरू कर दी। दिन होता कब है, हम तो दिन को भी रात समझ के पी लेते हैं। साहब क्या बात है आके? वो बेगम साहब ने कहा है स्टार ज्वेलर्स वालों को टेलीफोन कर दें जेवरात घर भिजवाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो इस खुशी के मौके पर जेवरात और मलबूसात के इंतजाम वगैरह हो रहे हैं। अजीब, बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही है साहब के निकाह की। देखो 200-400 बोतलें विस्की की भी मंगा लेना मेहमानों के लिए। सर मेहमान आपकी तरह शराब नहीं पीते। कुछ हमारे आमने वाला और हम पियाला होंगे, कुछ आपके हम कटोरा और कटोरियां होंगी। ये बियर के खाली ड्रम को तो यहाँ से हटाओ। चलो सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए रहने। टोटी लगवाने को कह रहा है। नाजरा, दुख्तर मोहम्मद इकबाल खान, तुम्हें जाहिद अली वल्द अमजद अली वल्द से 1,00,000 रुपया हक महर अपनी जौजियत में ले रहे हैं, क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुल्हन बेटी ने मंजिल को आसान बना दिया। मुबारक हो बेगम, बहुत मुबारक। शुक्रिया, अल्लाह से दसो हाजन रखे, दूध और नहाए पूतो फले। बेगम इकबाल खान, अब रुख्सती कब है? बस नैरोबी से लौटते रुख्सती कर दूंगी। तो क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? जी हाँ, कल सुबह। नादरा, जिंदगी का साथी बनते तुम इतनी दूर जा रही हो तो फिर ये भी बताते जाओ मैं ये वक्त तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारूंगा? फासले मोहब्बत की मौत नहीं बन सकते जाहिद, मैं तो तुम्हें अपनी आंखों और दिल में छुपा कर जा रही हूँ। जब याद आएगी तो दिल में झांक कर देख लूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो तस्वीरें साथ रखती हैं या उदासी भरे खत लिखती हैं। तुम तो मेरी सांसों में शामिल हो गए हो, हर वक्त मेरे पास रहोगे। बताओ क्या मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी? बिल्कुल रहूंगी, क्यों नहीं, एक एक धड़कन में, एक एक सांस में। बाप, आप लोगों को बेगम साहब ला रही हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। चलो जाहिद। मेरा वीजा भी खत्म हो रहा है और इसके ताया अब्बा को भी तो इतला दे चुकी हूँ, बस 1 महीने बाद तो आ जाऊंगी। खाला जान, ये महीना आपके बगैर कैसे गुजरेगा? जान। यस मैडम। देखो मेरे जाने के बाद बड़ी बेगम साहबा का ख्याल रखना, इन्होंने कल दोपहर के जहाज से वापस जाना है। ओके मैडम। और सुनो, जो काम मैंने तुम्हें बताया है ना वो सब कर छोड़ना। ओके मैडम। बाजी मेरे ख्याल चलना चाहिए, जहाज जाने में थोड़ा वक्त रह गया है। चलो जाहिद। अरे अभी से उदास हो गया, तो शादी के बाद तेरा क्या हाल होगा? नहीं तो अम्मी जान, उदास तो नहीं, बस ऐसे सोच रहा था। बात नहीं बन रही तो बहाना बनाने से फायदा। अच्छा जल्दी से चाय पी ले, एयरपोर्ट भी चलना है। क्यों, क्या हो गया? नैरोबी जाने वाला जहाज क्रैश हो गया और उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। उफ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? हर वक्त परेशान रहता। ये तो पागल है, अब खुदा के कामों में कौन दखल दे सकता है? आप सही फरमा रही हैं, मेरी मानिए तो इसकी दूसरी शादी कर दीजिए। नहीं मुश्ताक, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्ताक ठीक कहता बेटे। नहीं मुझे, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो फिर शराब पी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी से निमटने के लिए कुछ न कुछ बकवास तो होनी ही चाहिए। जिंदगी बकवास के अलावा और है क्या? बे से बेबसी, काफ से कश्मकश जिंदगी, अलिफ से उम्मीद और सीन से सजा, ये सब बकवास नहीं तो और क्या है? कान खोल कर सुन लो, तुमको दूसरी शादी करनी हो गी। अरे भाई बात तो सुनो। चला गया मुश्ताक बेटे। जी कुछ तुम ही इसे समझाओ।
आप फिक्र न करें खाला जान, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे कोशिश मैं आज ही से स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा बाय। आपकी बेगम साहबा के इंतकाल का सुनकर बहुत दुख हुआ है सर। दुख के सिवाय इस दुनिया में और क्या रह गया है मिस फिरोजा? ये आपका टेलीग्राम है सर। खैरियत का तार है ना सर? नादरा के रिश्तेदारों ने ताजियत का तार भेजा है। जी हाँ, अब ताजियत के सिवा हो भी क्या सकता है सर? हो क्यों नहीं सकता, बीवी मर गई है, गमगीन हो तो शराब पी ले। दोस्त होकर जख्मों पर नमक छिड़कते हो? जख्मों और नमक की बड़ी गहरी रिश्तेदारी है। अगर ये दोनों ना हो तो जिंदगी बीपी का बंद बन कर रह जाए। क्यों मिस फिरोजा? जी मुझे क्या खबर, मैं तो खुद हर वक्त परेशान रहती हूँ। परेशान रहती है, दो घूंट खींचिए परेशानी दूर हो जाए। थैंक यू सर। अच्छा, अगर इसी तरह सर झुकाए बैठे रहे तो जिंदगी करीब से गुजर जाएगी, आंख उठा कर भी नहीं देख सकोगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे गम की एक ही सूरत नजर आई है, बस चलो मेरे साथ। ये गम लाइलाज है दोस्त। क्या बात करते हो, चलो मेरे साथ। अगर हम गलत साबित हुए तो इस बोतल के बाद शराब पी नहीं छोड़ देंगे। चलो, कभी रिंदों की भी मान ली। शराब गमों का इलाज होती है तो फिर लाओ, गमों को भुलाने के लिए हम भी शराब पी लेते हैं। अरे पगले, मेरा ये मतलब नहीं था। हर बात को अपने मतलब से मत सोचा करो मुश्ताक। शराब पीने तो शराब। शराब तुम पियोगे, बदनामी हमारी होगी, मगर हम तो हैं ही बदनाम। यारों के खातिर थोड़ी बदनामी और सही। चीयर्स। जिंदा रहें तो किसकी खातिर, जिंदा रहें तो किसकी खातिर, होश में आए किस के लिए, जिंदा रहें तो किस के खातिर, होश में आए किस के लिए, जाने वाले आ नहीं सकते, जाने वाले आ नहीं सकते, शम जलाए किस के लिए, जिंदा रहूं तो किसके खातिर, होश में आए किसके लिए, जिंदा रहूं तो किसके खातिर। रोकते क्यों हो जाम में भर के, खून जिगर का पीने दो, रोकते क्यों हो जाम में भर के, खून जिगर का पीने दो, ये तो बताओ बर्बादी से, ये तो बताओ बर्बादी से, खुद को बचाए किसके लिए, जिंदा रहे तो
किसके खातिर होश में आए किसके लिए जिंदा रहे तो किसके खातिर जिसके लिए मांगी थी दुआएं जब वही हमसे रूठ गया जिसके लिए मांगी थी दुआएं जब वही हमसे रूठ गया अब सजदे में गिर के यारो अब सजदे में गिर के यारो मांग दुआएं किसके लिए जिंदा रहे तो किसके खातिर होश में आए किसके लिए जाने वाले आ नहीं सकते जाने वाले आ नहीं सकते शम जलाए किसके लिए जिंदा रहे तो किसके खातिर होश में आए किसके लिए न जाने कहाँ चले गए दोनों इतनी रात हो गई अब तक नहीं आए कहीं टेलीफोन करके मालूम करो अखिल थाने में फोन करके मालूम करूं बेगम साहबा बकवास बंद करो बता कर भी नहीं गया कि उसे ले कहाँ गया मुश्ता किसी गलत जगह ही ले गया होगा बेगम साहबा तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ दूर जा। यारो हमें माफ करो हम नशे में हैं शीशे में मैं तुम नशे में हो कितनी प्यारी चीज है हलक से उतरते ही जिसे भुलाना है उसे याद करा देती है और जिसे याद रखना है उसे भुला देती है आखिर भूल गए ना नादरा भाभी को फासले मोहब्बत की मौत नहीं बन सकते जाहिद मैं तो तुम्हें अपनी आंखों और दिल में छुपा कर जा रही हूँ जब याद आएगी तो दिल में झांक कर देख लूंगी तुम तो मेरी सांसों में शामिल हो गए हो हर वक्त मेरे पास रहोगे बताओ क्या मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी अबे लाइट बंद करो उफ तौबा तौबा बेगम साहिबा साहब के दोस्त का तो बहुत ही बुरा हशर हुआ है पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं उसके जिस्म पे वो है इसे काबिल मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता था कमबख्त ने साहब को भी शराब पे लगा दिया था हाय 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 सारा बदन टूट रहा है नर्स आपको चोटें काफी आई हैं ये चोटों का दर्द नहीं है सारा बदन टूट फूट गया है अरे मेहरबानी करके आए चार पैक विस्की के ला दीजिएगा माफ कीजिए यहाँ विस्की नहीं मिलती कोई गल नहीं है एक पौवा स्पिरिट का ही ला दीजिए अब कैसी बातें करें इंजेक्शन लगवाएं मेहरबानी करके इस इंजेक्शन में थोड़ी सी विस्की भर के लगा दीजिए जरा खून गर्दिश में आ जाएगा हाय गर्दिश है दौरा मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला के उनसे कहिएगा कि एक बोतल साथ लेते आए अपना मकाम पहचानो जाहिद और अपनी जिंदगी की कीमत का एहसास करो शराब पीकर तुम्हें गाड़ी चलाते हुए शर्म नहीं आई उस मरने वाले के अलावा माँ का भी कुछ हक है तुम्हारी जिंदगी पर बड़े आशिक बनकर शराब में डूबने वाले माफी चाहता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं बेगम साहब ने माफी देकर फौरन इनका दूसरा निकाह कर दीजिए वरना इनका शराबी दोस्त कहीं आकेल आकेल ठीक कहता है मैं जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी
बहुत जल्द बेगम साहबा, अपनी तितली की जान पहचान की एक औरत है, बड़े बड़े घरानों में शादी की बातचीत करवाती है। अगर आप कहें तो मैं आज ही उसे बुलवा लूं। हाँ हाँ, फौरन बुला। मैं जल्द ही इस लड़के की शादी कर देना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। प्यारी ही नहीं, इकलौती और लाडली भी बहुत है इस घर में, इसलिए उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आप इस रिश्ते के लिए भी नजमा से? जी हाँ, पूछूंगी तो जरूर, इसलिए कि कुछ दिन हुए एक लड़के का रिश्ता आया था, उस लड़के की मंगनी कहीं और होकर टूट चुकी थी। बस नजमा ने इनकार कर दिया, कहने लगी जिसके साथ एक बार किसी और का नाम आ चुका हो मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे बहन तो क्या बात करती है बेगम साहब, यहाँ तो लड़के के लिए किसी का नाम तक नहीं रखा गया। बात दरअसल ये है, इन्हें बहुत जल्दी है, ये बेटे की शादी के बाद हज पे जाना चाहती हैं, इसलिए आप अपनी दूसरे नए अफसर से आज ही पूछ लीजिए और आज दूसरे उसके पास शादी की तारीख मुकर्रर कर दीजिए। मगर क्या बहन, ये काम में देर नहीं करनी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ जल्दी, मेरा मतलब है। अच्छा, मैं नजमा से अभी पूछ कर बताती हूँ। जी बहुत बेहतर, आप जब तक चाय पीजिए। नदी तो कितना लोग भी अच्छे हैं, और अभी तक उसके साथ किसी और का नाम भी नहीं आया। मैंने तस्वीर देख ली है, तुम देखोगी? मैं देखकर क्या करूंगी अम्मी, बस आप, अब मैं क्या बोलूं आपके सामने? कुछ तो कहो बेटे। जैसे आपकी मर्जी। बेगम साहबा, अगर साहब की शादी जल्दी ना हुई तो मुश्ताक का दूसरा अटैक भी हो सकता है। और फिर आपके बेटे का निकाह तो नैरोबी वाली लड़की के साथ हुआ था, इस शहर में कौन जानता है कि वो मर चुकी है। बेहतर ये है आप पुरानी बातों को दफन कर दें, उन पे मिट्टी डाल दें और खुशियां इकट्ठी कर लें। लीजिए वो आगे। आइए जी। क्या कहा बेटिया ने? बस वो खामोश हो गई है। अरे बेगम साहिबा, शरीफ बच्चियों की खामोशी ही तो रजामंदी होती है। अब आप बिस्मिल्लाह करके मुंह मीठा करा दें, अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। ठीक है बहन, आज से पूरे 8 रोज बाद हम बारात लेकर आते हैं। जी वो बात को तूल मत दीजिए, तेरे बात बिगड़ भी सकती है। अच्छा, जैसे आप लोगों की मर्जी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा चले। अच्छा, आप इजाजत दें। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा खुदा। दूसरी शादी कर रहे हो दोस्त, बहुत ही उस्ताद निकले। दूसरी शादी भी कर रहे हो, शराब भी पी चुके हो, आवारा तो तुम हो ही चुके हो। अब ऐसा करो, दूसरी शादी की खुशी में थोड़ी सी और खींच लो। क्या आप दूसरी शादी कर रहे हैं सर? हाँ। बड़े खुशकिस्मत हैं आप, मेरी तो अभी तक एक भी नहीं हुई। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए, ज्यादा नहीं। हाँ जाओ, मैं काम करो, बाद में देख लूंगा, जाओ चलो। बस यार, अम्मी जान के सामने सर झुकाना ही पड़ा है। अच्छा किया है, शादी कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता नादरा भाभी की मौत का भी गलत हो जाएगा। हो सकता ठीक हो, ये सभी कहते हैं। ठीक है तो फिर शादी के दिन ही हंगामा रहेगा, खूब विस्की चलेगी। नहीं 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 नहीं, अम्मी जान ने तुम्हारी विस्की पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए तुम घर भी आ सकते। ठीक है, हम अपने ग्रुप के साथ यहीं आकर बोतलें खोल लेंगे, कौन सा हमने बुरा काम करना है। दोस्त की शादी है, सेलिब्रेट करना तो भी। चीयर। क्या हो गया? खोली नहीं। अच्छा खोल ली। अच्छा चलो। आप तशरीफ रखिए। रखिए। जी आपको किसी अच्छे से शादी दफ्तर का पता है? हाँ जी, बड़े शादी दफ्तरों का पता है। ये क्या बात है, सुना है आप बहुत परेशान रहती हैं, और ये भी इत्तला मिली है कि आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आता। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, रिश्ते तो बहुत से आए हैं, कुछ उम्र रसीदा कुछ नामाकूल। रिस्की नहीं पीते हो आप, इस जमाने में माकूल रिश्ते की तलाश में फिर रही? जी हाँ, कोई पढ़ा लिखा नौजवान खूबसूरत। अच्छा तो उम्र कितनी चल जाएगी? बस यही कोई 30 साल के लगभग। लेके पालना है आपने?
जी नहीं, 28 की तो मैं खुद हो चुकी हूँ। अगर 30 साल का पढ़ा लिखा नौजवान मिल जाए तो जिंदगी सवर सकती है मेरी। देखिए जी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये कि अगर 15-15 साल के दो ना समझ मिल जाए तो चल जाएगा। जी क्या कहा, शर्म नहीं आती आपको दो दो खानदों का मशवरा देते हुए? जकिया, तू जानती है मैं किसी चीज में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस उलझन है तो इस बात की कि लड़के की माँ भी है। पगली, क्या तू सास की दुश्मन बन के जाएगी? अरे सास का रिश्ता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा शौहर किसी और से प्यार करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बतनो, शादी से पहले ऐसी बातें किसी से मत कह देना, वरना सास से जाते ही ठन जाएगी। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। जकिया, तू जानती है मैं बड़ी खुदसर और खुद पसंद हूँ, हर वक्त शौहर को अपने में उलझाए रखूंगी। अल्लाह अंजाम अच्छा करे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तेरे ससुराल वालों से बनेगी नहीं। हर एक के सोचने का अपना अपना एक अंदाज है, लेकिन मैं बड़ी जज्बाती लड़की हूँ। जलवाती है, रिश्ता कराने वाली ने खामा खा झूठ बोल दिया। बेटा, तुम दुल्हन से नादरा का जिक्र ना करना। उस बेचारी की याद तो आपके हुक्म पहले है, कब की दफन हो चुकी है बेचारी। साहब जी, जहाज की सीटें बुक करा दी हैं, मैं आज ही गाड़ी लेकर रावलपिंडी चला जाऊंगा, एयरपोर्ट पे आपको रिसीव कर लूंगा। बड़ी बेगम साहब का हुक्म है। मैंने आपके घरवालों से वादा किया है कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऐसी बात हो जाए तो आप मुझे टोक दीजिए। टोकने की नौबत आए ही क्यों, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ जाहिर, लेकिन अपने प्यार में किसी और को शामिल नहीं कर सकती। जिंदगी में मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार मत कीजिएगा। Thank you.
रहते हुए भी आपको घर की याद आ गई ना? घर की याद नहीं, अपने कारोबार के बारे में सोच रहा था। नजमा, अब तो आए हुए भी काफी दिन हो गए। तो फिर वापस चलते हैं। अरे मेरी चंदा, इतने दिन लगा दिए तुमने। अम्मी जान क्या बताऊं, लौटने को दिल ही नहीं करता था। क्यों करे, तुम्हारा भी दिल लगा। हर वक्त इन्हें मसरूफ रखती थी, फिर कहीं जाकर साहब जी का दिल लगा। तुम दोनों को खुश रखे। अरे वो चीजें दिखाओ जो तुम मरीज लेकर आई। दिखाती हूँ, आखिर सामान तो ले आए। आखिर आ रही थी। सलाम बेगम साहबा। ये ब्लू बॉक्स क्या है? वालेकुम इधर। अरे आखिर कैसे हो तुम? ठीक हूँ बेगम साहबा। मेरी तितली बेगम ने मेरी गैर मौजूदगी में तलाक का मुतालबा तो नहीं किया? अरे नहीं, तुम अपनी बीवी को बदनाम क्यों करते हो? काश मैं ऐसा कर सकता। अच्छा यही है अम्मी जान, ये 30 आपके लिए। अरे बहुत खूबसूरत है। और ये तो देखे अपने लिए कितना सामान लेकर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज है। खूब ही ले आई माशाल्लाह। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इसे बता सकती हैं? तुमने गलत बात की है बेटे, दुल्हन शायद बुरा मान गई। ओहो, तो फिर क्या हुआ? आप ये शर्ट अपने पास रख लें। नहीं बेटा, ये उसकी पसंद है। अम्मी जान, आपकी पसंद अव्वल है, समझिए। तुम मेरी पसंद को छोड़, जब उसे मना जाते आते ही नाराज कर दिया। जैसे आपकी मर्जी। बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू तो मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। मेरी कमीज। ओ डार्लिंग प्लीज स्वीट। ओ डार्लिंग, इसमें रोने की क्या बात है? अम्मी जान को हम दूसरी कमीज ला देंगे। चलो चुप कर जाओ। ओ जान, चुप भी कर जाओ।
मुझे एहसास है मैं बहुत शर्मिंदा। अरे नहीं बेटा, तुम उसके शौहर हो और नजमा को तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, और मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज बन जाता है, मैं इस बात को जानती हूँ। और फिर मैं अपनी बहू की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। बस तू ऐसा कर, जल्दी से मेरे हज के कागजात मुकम्मल करा दे, मैं बहुत जल्द खाना काबा की ज्यारत करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी जान, अरे तू मुझे इस नए काम से रोकेगा? ये जरूरत तो मैं नहीं कर सकता अम्मी जान, जैसे आपकी मर्जी, जितनी जल्दी हुआ मैं आपके कागजात मुकम्मल करा दूंगा। अरे क्या करती हूँ, क्यों फाड़ रही है? जब तक ये नहीं फटेगी तुझे अकल नहीं आएगी, वो कमीने, फिर तू 3 महीने बाहर लगा कर आएगा? नहीं नहीं, तौबा तौबा, तेरी कसम अब मैं साल में से पूरे 3 महीने कम लगा के आऊंगा। हाथ क्यों चलाती है? कुछ नजरों के तीर चला, 3 महीने के बाद लौटा हूँ, तो प्यार मोहब्बत की बात कर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खामन हूँ, कोई आटे का तोड़ा नहीं जो पीपे में बंद हो जाऊंगा। तू मुझसे जबान चलाएगा? चलाऊंगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ के दिखाओ। भल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे इतनी गालम तो ना बन, कसाई की बच्ची। मारी जा, जितनी तेरी मर्जी मारी जा बेलिया, और वाह मार, अल्लाह तुझे मारे। दो रोज के बाद चली जाती आंटी तो बहुत अच्छा था। जाहिद का बर्थडे है, मैंने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है। शादी से पहले तक तो माशाल्लाह सब बर्थडे मैंने ही मनाई। ये तुम्हारा काम ही बेटे कि मियाँ की खुशियों को सेलिब्रेट करना है, अल्लाह नसीब करे। अम्मी जान जहाज का वक्त हो रहा है, जल्दी चले। रोजा, बड़ी तेजी से कार्ड लिखे जा रहे हैं, कहीं कोई बात बन गई क्या? नहीं उस्ताद साहब, अपने ऐसे नसीब का। मिस फिरोजा, अगर आपका घर किसी शराब खाने के सामने होता तो अब तक आप मेरी तरह के किसी जज्बाती शराबी की बीवी बन चुकी होती। तलाब शुदा, और आपके बच्चे टल्लियां बजाकर सोडे का कारोबार कर रहे होते। तलाशुदा का कहकर आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं उस्ताद का। दारा मेरे बारे में कुछ सोचिए, इसी गम में तो मेरी अम्मी बीमार रहती हैं कि मेरा क्या बनेगा। वैसे आपका कुछ न कुछ बनेगा जरूर, पाने मकबरा ही बने जी। हर वक्त आपके आंसू बहते रहते हैं, सैलाब उमड़े रहते हैं, आप ब्लैटिंग पेपर का इस्तेमाल रखे हैं। अगर किसी दिन आपका ये मेकअप उतर गया तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी। आपका मतलब है कि मेरी एज ज्यादा है? नहीं, आप जज्बाती ज्यादा है। लेडीज की एज का क्या है, ये तो बढ़ती घटती रहती है। आप तो मेरी आखिरी उम्मीद थे मुश्ताक साहब, आप भी मेरी दिलजोई करने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए साहब, उड़ाने को तो बहुत कुछ उड़ाया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ हमदर्दी कर रहे हैं। आप क्यों कार्डों पे ऑटोग्राफ दिए चली जा रही है? ये तो बेगम साहबा साहब का बर्थडे मना रही है। अच्छा हाँ, साहब पैदा हो चुके हैं। बाय द वे, ये किस मैटरनिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे? क्लब में। अच्छा क्लब में, तो खूब पेटियाँ आएंगी, बोतलें खुलेंगी, कार्डें उड़ेंगी। भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, भाई बीवी हो तो आप जैसी, चाहे एक ही हो। मेरा मतलब है कि शौहर की सालगिरह पर आपने हशर नशर कर दिया, कयामतें डाल दी। अरे क्यों ना साहब, ये तो खुद एक कयामत है।
नस्बत जरा मिस्टर खौफ आता रहता है। यहाँ आपको किस बात का खौफ है? नस्बत का कि ये सिर्फ प्रेजेंट उठा कर खोलने के जाएगा। आपकी बला से मैं खुद ही उठा के ले जाऊंगी। जाइए आप अकेले ही घर जाइए, मैं उन प्रेजेंट को अपने सीने से लगाकर अकेले चल जाऊंगी। बात को सुनो, समझने की कोशिश करनी। मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मैंने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। बारा बहुत चढ़ गया है, बात बिगड़ भी सकती है, तुम चले जाओ, मैं ये तोहफे तवायफ में खुद उठा के ले जाऊंगा। अभी ये आदमी बिल्कुल बंडल है, अगर आप थोड़ा ना माने तो आधे बंडल में उठा। इजाजत हो तो मुश्ताक को छोड़ाऊं, नशे में अकेला जा नहीं सकता। कब तक वापस आएंगे? अरे बहुत जल्द, बस यूं गया और यूं आया है मैं। ओके ओके बाय बाय डालो। क्या बात है, बड़े पसीने छूट रहे हैं। बात बहुत सीरियस है मुश्ताक, नादरा नादरा जिंदा है। नादरा जिंदा है, ये कैसे हुआ? फिर पैदा हो गई? हाँ, जब मैं घर पहुंचा तो अंदर बैठी गई थी। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी रोको। शीशी कहाँ गई? लो शीशी गाड़ी में चली गई। अच्छा, वो आज किस औरत की थी? औरत नहीं, वो तो मेरे किसी दोस्त की थी। अच्छा, अब तुम दूसरी लड़कियों के लिए साथ फिरते हो? नहीं जान, आज रो ऊपर चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चाहत तुम्हारी दोस्त लड़कियां आती है। ये तो बहुत अच्छा है, मैं मतलब किसी दूसरे घर में चलते हैं। अब जान देखो ना, इस घर ने मैं जुदा करके तो बड़ा मनहूस कर रहे हैं। कंसाना जी साहब, तो ताल लगा के चाली मुझे तो, और तुम्हारी नौकरी छुट्टी है। वो अपना ऊपर से कपड़े वपड़े ले ले, आओ चलो। आइए 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 आइए। हादसा इतना खौफनाक था कि कोई भी ना बच सका। ये तो तुम्हारी मोहब्बत थी जिसने सशक्ति नादरा को जिंदगी का पैगाम सुना दिया। चंद महीने वहां की जंगली कबाइल में रहकर तुम्हारी नादरा ने यारों भी वापस जाने का नहीं सोचा। तुम क्या जानो कितनी मुश्किलों से तुम तक पहुंची हो, और तुमने मेरी मौत की खबर सुनकर लड़कियों से दोस्त निकाल ली। जी जी नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मुझे माफ कर दो, इंसान गलती का पुतला होता है। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर तो मैं पागल हो गया था। तुम मिली हो तो जिंदगी मिल गई है। जिंदगी मिल भी गई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी जिसमें लड़कियां आती रही है। उस घर को हमेशा के लिए ताला लगा दिया है मेरी जान। हम कल सुबह एक नया घर बनाएंगे जिसमें सिर्फ तुम्हारी और हमारी खुशियां शामिल होगी। जी मेरी प्यारी जान, सब बात सहनियों को दिल से निकाल दो और इस नए घर में तुम्हें सुकून तो मिलेगा ना। कुछ तो बोलो, बोलो ना जान।
महसूस तो होता है कि सुकून मिल जाएगा, लेकिन लेकिन वो तुम्हारी दोस्त लगती है। एकदम खत्म, शायद एक सिर्फ इंसान बन गया है। अब मैं ऑफिस चलूं। कब तक लौटेंगे? बहुत जल्दी, खाना भी तुम्हारे साथ खाऊंगा, ठीक है ना? बाय खुदा, मैं जाऊं। बाय बाय। सारी रात कहाँ गुजारी आपने, कहाँ थे आप? बस क्या बताऊं जान, मुश्ताक ने शराब पी ली थी, कमबख्त के बाद कोई भी नहीं था, पकड़ा गया। और आप सारी रात उसकी जमानत कराए? हाँ, वो पुलिस वाले ना जैसे बगैर परमिट के शराब पीने नहीं देते। और पुलिस वालों ने ये भी कहा था कि घर में ताला लगा दे, एक नौकर भी नहीं था घर में, कहाँ चले गए थे सब? मुलाजिम, हाँ उसकी पहली बीवी आ गई थी। तो उसकी दो बीवियाँ हैं, दलील कमीना। जान, उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने, मैं आज ही दूसरे नौकर का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन घर की चाबी? चाबी? हाँ चाबी, चाबी चाबी मेरे पास है, चाबी देखिए। जान आप घर चलिए, मैं ऑफिस में घर पहुँचता हूँ। जल्दी आ जाइएगा, मैं खाने पर आपका इंतजार करूँ। खाना? हाँ हाँ हाँ, हाँ खाना। जान तुम तो जानते हो तुम्हारे बगैर तो कभी खाना खाता ही नहीं। ओके बाय, ओके बाय। खुदा मैं बहुत परेशान हूँ मिस्टर रोजा, मुझे आप दोनों की ताबे की जरूरत है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ सर? जी वो मेरी पहली बीवी जिंदा है और वापस आ चुकी है। जी जिंदा है? मगर सरकार, अगर लोगों की पहली बीवियाँ कब्रिस्तान से उठकर इसी तरह वापस आने लगी तो दूसरी बीवियों का क्या बनेगा? सर खुश नसीब है, आप तो दो दो बीवियों वाले हो गए, और हाय किसी को एक साथी नहीं मिला। ये राज तुम दोनों के दिलों में आना चाहिए। अगर छोटी बेगम साहब का फोन आए तो उनसे मेरा नंबर ही नहीं बता, इसलिए तो हम बड़ी बेगम के पास चलते हैं। ये ठीक है, मगर सरकार अगर महीने में दो तीन दौरे आपको इस किस्म के पड़ते रहना तो मुझे डर है कहीं असली दौरा ही ना पड़ जाए। मैंने जो कुछ तुम्हें समझाया है ठीक है, ये राज राज ही रहेगा। चलो आ। क्या बात है? आप खाना बहुत कम खा रहे हैं। अरे नहीं जान, दरअसल मारे जरा पेट में कुछ गड़बड़ है। नुवाला हाथ में है, नजर दीवार पर लगी है, सोच क्या रहे हैं आप? है कुछ नहीं जान, वो दरअसल दरअसल वो कारोबारी उलझन है, दिल चाहता है कि थोड़ी दिन के लिए दर्द में मर जाए। ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी आपके साथ चलूँ, कुछ दिनों के लिए सहल हो जाएगी। अरे नहीं जान, वो दरअसल ये कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, अदरवाइज तुम्हारे जाने की बात नहीं थी, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। तुम यही रहो, तुम्हें मैं रोज फोन कर दिया करूंगा, ठीक है ना? लगता है कि जैसे आप मुझसे बेजार हो गए। ओहो, तुम तो मेरी जान हो, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी हो, भला कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको छोड़ के जाऊं? अच्छा ऐसा करो कि तुम जल्दी से बॉक्स याद कर दो मेरा। पहले आप ठीक से खाना खाए, फिर मैं आपका सामान पैक करूं। हां हां, इधर देखो कि डाल दे। हां हां, पड़ेगा ठीक है। कब से आपका इंतजार कर रही हूँ? ओह आई एम सॉरी जान, जरा मीटिंग में तो लेट हो गया। ये क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। किसी दोस्त के साथ खाकर तो नहीं आए? खैर कैसी बात करती जान, खुदा की कसम माफ की कसम, अगर हिलवाला भी खाया तो फिर ठीक से खाइए ना। हाजिर हुआ। मेरे मरने की खबर सुनकर साहब कुछ बिगड़ गए थे, अब उनका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। आप फिक्र ना करें बेगम साहबा, मैं सब ठीक कर लूंगा। वैसे साहब को महीने में एक दो बार दौरे जरूर पड़ेंगे। क्या मतलब? मतलब ये जान कि बिजनेस के दौरे, कारोबार के दौरे। आप कौन से दौरे? अच्छा बाबा, बिजनेस भी होता रहेगा, चलिए
पहले खाना खा लीजिए, फिर घूमने चलेंगे। घूमने? हाँ। जी 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 जी, मैं खाना तो खा लूँ, उसके बाद घूमने भी चलेंगे। हाँ देर हो गई है, चलिए ना कहीं घूमने चले। नहीं जान, सर में दर्द है, नींद भी आ रही है, ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए सो ले। यूं लगता है आप मुझसे नाराज हैं। ऐसा कभी हो सकता है? भला तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। हाँ चलो ना। हेलो डार्लिंग, कैसे हैं आप? आप बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग। वहाँ का नंबर बताइए ना जान, ताकि मैं भी आपको फोन कर सकूँ। मैं तुम्हें खुद ही फोन कर दिया करूँगा डार्लिंग, क्योंकि यहाँ के नंबर बदलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। मैं तुम्हें खुद ही फोन कर दिया करूँगा। अच्छा आ जा, खुद आ। किससे बातें हो रही थी? जी वो ऑफिस से कारोबारी मामले बातचीत कर रहा था। क्या नंबर है ऑफिस? जी 69247। हेलो जाहिद एक्सपोर्ट एजेंसी, पीएस स्पीकिंग। हेलो, मैं मिस्टर जाहिद बोल रही हूँ। जी साहब तो सुबह से मरी गए हुए। मरी गए हैं? क्या कहती हो? फोन पे डार्लिंग, इतने दिनों बाद मिली, मैंने सोचा 7-8 रोज तुम्हारे साथ गुजारूंगा, इसलिए दफ्तर से बाहर ना किया था। ओह डार्लिंग, तुम्हारा तो मूड ऑफ हो गया। चलो ना, चलो 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 ना, प्लीज चलो ना। जान आप ज्वेलरी पसंद करें, मैं जरा ऑफिस फोन कर लूँ। हाँ हाँ कर लीजिए। हाँ प्लीज। जी मैं जरा फोन कर सकता हूँ? जी जी शुक्रिया। हेलो हेलो, मेरी बात कीजिए, मेरी बात कीजिए। बेगम पारा साहब की मरी से कॉल। साहिद का फोन। जी हेलो। हेलो। हाँ लगवा डार्लिंग, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग, इतनी देर से फोन क्यों करते हो? बिजनेस बहुत जोरों पर है जान, मुझे फुर्सत मिलती ही नहीं। आपको फुर्सत नहीं मिलती तो मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं फोन कर लिया करूंगी। क्या नंबर है वहाँ का? यहाँ का नंबर? नहीं डार्लिंग, मैं तो कुछ और आगे जा रहा हूँ। कितना आगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? क्या बताऊँ डार्लिंग, ऐसे कारोबार में फंस गया हूँ कि मुझे खुद अंदाजा नहीं कि कितना और आगे जाना पड़ेगा। बस हो सकता है कि मैं आज या कल तुम्हारे पास आ ही जाऊं। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया। अच्छा डालें, खुदा हाफिज, फिर मैं डाल दूंगा। खुदा बाय बाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलिए चले डालिंग। बड़ी हथियार से पकड़ी जाने वाली चीजें गाड़ी से निकाल के टिकी में रहते, और गाड़ी मुझे चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि बड़ी बेगम की पुरानी चीजें जाए। समझे? आप फिक्र ना करें, अंदर चले, सब ठीक हो जाए। काला और सफेद,
हाँ ये दोनों साहब के सर पर पड़ेंगे। पढ़ने नहीं चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जाहिद नजमा डार्लिंग माय स्वीट हार्ट। आप आ गए। ओह यस डार्लिंग मैं आ गया हूँ। इतने लगा दिया आपने, मैं तो उदास हो गई थी आपके। डार्लिंग उदास तो मैं भी बहुत था, इतना ज्यादा काम था, इतना ज्यादा काम था कि एक सेकंड की फुर्सत नहीं थी। हाँ ये सीटियों कौन बजा रहा है? ऐसे की पत्तू में बच्चा बाहर सीटी बजा रहा होगा डार्लिंग। भाई कौन डिस्टर्ब कर रहा है, अकेले से गए जाके चेक करें। अरे वो आखिर कमर कहाँ मर गया है? मैं तुमसे क्या कह रहा था? आ रहा हूँ सर। ये बाहर सीटियाँ कौन बजा रहा था? सीटियाँ कोई भी नहीं, शायद कोयल कूक रही होगी। अबे वो कोयल के बच्चे, इसको तुम दोनों हाथों से क्यों उठाते हो? वो दूसरे हाथ में प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? यस। बेगम साहबा, मरी में साहब आपके लिए बहुत उदास रहते थे, डे एंड नाइट आपको याद किया करते थे। वो तो ठीक है, मगर कमबख्त सामने सर के बात करते जी है तो ना। क्यों तो आपके हाथ में? हाथ में नहीं, पांव में चाहिए, मैं तो गले में। नहीं नहीं जान, क्या करो, इसे मारने के लिए उतारा था जान। ये कमबख्त हमारी बेगम के सामने दीवार बन के खड़ा होता है, तुम भी ना हो तो। जान यार क्या देख रही है? ये कपड़े आपने कहाँ से पहने? वो बेगम साहबा, दरअसल साहब ने रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री लगाने का इरादा कर लिया है, ताकि कपड़े हर वक्त गाड़ी में रहें, इसलिए कि जब चाहे बदल लें, जिस वक्त चाहे बदल लें, अगर जी ना चाहे तो ना भी बदल लें। क्या आप बकवास कर रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जान इतने दिनों बाद आया हूँ, ऑफिस हूँ। आते ही ऑफिस की फिक्र, इतना काम मत किया करें। आज जाने तो कल से नहीं जाया करूँगा। एक शर्त पे जाने दूंगी। बताइए कि आज 3 से 6 पिक्चर देखेंगे। 3 से 6 इतनी दोपहर में डाल लेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम 6 से 9 चलेंगे। जी नहीं, 3 से 6। जान दरअसल बात यह कि 3:15 एक बहुत जरूरी मीटिंग है, अगर उस मीटिंग को मैंने अटेंड नहीं किया ना तो सारी कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। हाँ जान, तो ऐसा कि मैं आपको इंटरवल के अंदर, मैं मतलब कि इंटरव्यू के बाद ना आपको आज वो आपके पास। ठीक है। बाकी यस सर, पोजीशन बहुत खराब है, हमारा क्या बनेगा? अंजाम तो आपका खराब है। क्या बकता हूँ? सच बक रहा हूँ साहब, 2 बीवियों वालों के साथ हमेशा से यही होता है। वैसे इस मसले का एक हल है मेरे पास। क्या? जल्दी बता जल्दी। अब दोनों घरों के कपड़े गाड़ी में रखा करें, रास्ते में तब्दील कर लिया करें। ठीक है। सा फोन। हेलो, मैं साहब की पीएस बोल रही हूँ। मैं मिसेस जाहिद बोल रही हूँ। विनोद का फोन। कौन सी विनोद? नंबरों का तो मुझे मालूम नहीं था, आप आवाज पहचान लिए। हेलो। हेलो जान। हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? बस वो काम कर रहा था। पिक्चर की बुकिंग का क्या हुआ? कौन सी बुकिंग? फिल्म की करवा दी है। जी जी जी। लेकिन डार्लिंग एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? 5 बजे बहुत जरूरी मीटिंग है डार्लिंग, मैं आपके साथ पूरी फिल्म नहीं देख सकता। इंशाल्लाह ताला मैं इंटरवल के पास चला जाऊंगा। हो, एक तो आपकी मीटिंग खत्म नहीं होती, चलिए इंटरवल तक तो साथ रहेंगे ना। दिस आइडिया इज वेरी गुड। फिल्म भी हो जाएगी, इंटरवल भी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मीटिंग भी हो जाएगी। ओके बाय बाय डार्लिंग। मेरा क्या बनेगा? बनेगा तो वो सर जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं फिल्म खत्म ना हो जाए। क्या मतलब? मैं मतलब कि फिल्म शुरू ना हो जाए। तो ये चक्कर है, इसका मतलब है नजमा से मिलना बहुत जरूरी है। अरे बड़ी डार्लिंग, कहाँ हो भाई तुम? बड़ी आई जान। डार्लिंग इतनी देर? अरे भाई देर तो हो गई, अब तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त किस्म का प्रेजेंट ऑर्डर देकर आ रहा हूँ। सच? हाँ सच, और डायमंड सेट व्हाइट गोल्ड और एक जबरदस्त किस्म की दाढ़ी तुम्हारी बर्थडे पे पहनने के लिए। अब तो कुछ हो ना? कि नहीं? अच्छा।
अच्छा तुम ऐसा करो कि इसी खुशी में एक गरम गरम कप चाय का जल्दी से बना के ले। अभी लाई। अरे खितर जा। चाय में चीनी न मिलाना। वो क्यों? वो इसलिए कि आप अपनी उंगली कप में घुमा दीजिएगा और वो तुम्हारी तरह मीठी हो जाएगी। चलिए कहेंगे। Hello, Susie, my beautiful baby. Hello, darling. Oh, I love you so much, darling. क्या हालत मान? देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ. Please, फौरन आ जाओ ना. अभी और इसी वक्त. अभी इसी वक्त. Oh, my darling, मैं अभी आ रहा हूँ इसी वक्त. Just in a minute. खुदा हाफिज. क्या बात है डार्लिंग? आप घर जाना? हाँ वो अभी फोन आया था ऑफिस से कि मैं काम नहीं नहीं मीटिंग मीटिंग यू अंडरस्टैंड मीटिंग ऑफिस में उन्होंने अभी फोन किया था कि मुझे मैं जल्दी से वहाँ पे आ जाऊँ. अच्छा चाय बना? चाय देखो डार्लिंग चाय भी आपको पी लेंगे. आई होप यू डोंट माइंड. इट्स फाइन. खुदा हाफिज़. दिन रात काम कर करके अपनी सेहत तबाह कर ली. बहुत जलील इंसान है. पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी औरत से इश्क झाड़ रहा है. हाँ जवान बड़े जलील आदमी है. क्या ही जलील. ऐसे जलील इंसान को तो गोली मार देनी चाहिए. गोली? जान ये तो बहुत कड़ी सजा है. थोड़ी सी हल्की. आप क्यों घबरा रही हैं? मैं मुझे तो सीन कितना अच्छा चल रहा है. आप बार बार घर क्यों देख रहे हैं? वो जान मुझे मीटिंग मीटिंग जाना मैं नहीं जाना. वो जान मीटिंग पे जाना है ना. ओ मीटिंग मीटिंग मीटिंग. मैं जाऊं वो मैं इंटरव्यू हो गया अब मैं जाऊं. जाइए अपनी मीटिंग में. सारी फिल्म का मजा खराब करती. ओ जान आई एम सो सॉरी. मैं बस जल्दी घर आ जाऊंगा. प्लीज ओके. जान को कोई ठंडा चाय वगैरह भिजवाऊं? जी नहीं शुक्रिया. अच्छा ओके बाय. जल्दी खा अंकल. इंटरवल पर मुझे वहां भी पहुंचना है. साहब आइंदा आप उन्हें नजदीक नजदीक के सिनेमाओं में बिठाया करें ताकि इतनी भागम दौड़ ना हो. अरे ये तो नादरा का शोहर है. लेकिन बक्स में कौन थी? नहीं निशाना नहीं लगी. जिस गलत पहले ने तुम्हें शानों से नूरी बनाया है वो खत्म हो गई. शान अम्मी जान की जरूरी बहन हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई. उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया. उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. वंडरफुल. मोहब्बत में इतनी शिद्दत होनी चाहिए. क्यों लाइफ
बड़ा ही कमीना आदमी है, यानी कि एक बीवी की होती है दूसरे से इच्छा कहा है कमीना कहीं का? क्या कहा? इसकी तो बीवी ही नहीं है। ये तो मैंने किसी दूसरी फिल्म का सीन देखा होगा। ये सीन फिल्म दूसरी शादी का है, आपने ये फिल्म किसके साथ देखी? मुझे तुम्हारे सर की कसम जान, अगर मैंने फिल्म देखी तो सीधा मेरी से आ रहा हूँ। तो फिर इस सीन का आपको पता कैसे चला? आजकल मैं दफ्तर में फिल्मी कहानी सुन रहा हूँ, वो अपना है ना आगे इंतजार कमीना कहीं का। उसने मुझे दो बीवियों की ऐसी कहानी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई, उसका एक सीन मेरे दिमाग में अभी तक नहीं। आज भी घर चले, मैं भी आपको बहुत ही अच्छा सीन सुनाऊंगी। जी जी जान, वो सीन तो मुझे भी सुना दो। जी नहीं, घर चले। बताओ तुमने वो फिल्म किसके साथ देखी थी? कौन सी फिल्म जान, क्या बात कर रही हैं आप? मुझसे कसम ले लो जान, ये हमने किसका फिल्म देखी हो? हेलो नीलमा, हाय। बहुत जरूरी काम था इसलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं। नजमा जरा मेरी बात तो सुनो। कर लीजिए कर लीजिए। यार मेरे बोला, मुझे इस इम्तिहान से बचा ले, आखिर मेरा कसूर क्या है? महेश जी, तो आजकल मीटिंग के बहाने फिल्में देखी जाती हैं? नहीं, कौन सी फिल्म? खुदा की कसम जान, मुझे आपकी कसम लगे अगर मैंने कोई फिल्म देखी हो। आप किस पे अवतार ने कहा है? झूठे जान, अपने प्यारे शौकीन क्या कर रही है? जाओ अपने उस महबूबा के पास और उसे जान के बताओ तुम शादी शुदा हो। जान मेरे बाल तो छोड़ दो। जी बेटा ले जाओ। बड़ा फ्रॉड है तुम्हारा शौक। मुद्र करो, मैं कपड़े बदल रहा हूं। साहब जी, ऐसी हल्की फुल्की मारे तो अब आपको पड़ती ही रहा करें। बस बंद करो, बस इतना गाड़ी चलाओ। जल्दी चला, लेट हो रहा। ताई कहाँ गई? ताई डैशबोर्ड में तो नहीं है। लेकिन वो तो मीटिंग में थे। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, उन्होंने खुद मुझे पर्स उठा कर दिया था। आ गए, पूछती हूँ उससे। मेरा नाम मत लीजिएगा। हेलो जान, आप आ गए? जान आप क्या देख रही हैं? मीटिंग के निशान। मीटिंग के निशान? जी हाँ, जरा गौर से देखिए अपने चेहरे। अच्छा, तो ये नील उस महबूबा ने डाला है जिसे मीटिंग के बहाने साथ ले गए। नहीं जान, मेरी बात नहीं, बॉक्सिंग। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हारी प्योफाइल की सजा जरूर। मैं लड़की हूँ जरा डिफरेंट नेचर की। अपने चेहरे पर पराजित दूसरा नील उस महबूबा को दिखाना, उससे कहना ये नील मेरी बीवी ने जाना है। लेकिन मेरी जान, ये तो बड़ी गलती है आपको। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं कहती हूँ इस घर से निकल जाओ। आई से गेट आउट। आज तक मुझे धोखा देता रहा। 5 बजे मेरी मीटिंग है डार्लिंग, मैं आपको सब पूरी तरह नहीं देख सकता। इंशाल्लाह तब मैं इंटरवल के पास चला जाऊंगा। जी साहब तो सुबह से मरी गए हुए। तो के कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, अदरवाइज तुम्हारे जाने में कोई बात नहीं थी, उनको मरी दिखाना चाहता हूँ। आपके चेहरे का तो बहुत बुरा हाल है सर। एक शो में 2 फिल्में देख कर आए हैं मिस फिरोजा। ये हमारा ही काम था कि एक्शन और मार धाड़ को बर्दाश्त किया। वो तो आपकी शक्ल ही से दिख रहा है। मेरी
मेरी माने सर तो किसी ऐसे लंबे दौरे पे चले जाएं जिससे दोनों बेगमात के दिमाग दुरुस्त हो जाए। ऐसा ही होगा मिस फिरोजा। यस सर। अगर हमारा किसी भी बेगम का टेलीफोन आया तो हमसे कह देना कि हम बहुत जरूरी मीटिंग में मसरूफ हैं, बात नहीं कर सकते। मिस फिरोजा उठाइए हमारा दिमाग। हेलो, मैं नागरा बोल रही हूँ, साहब को दो। बेगम नंबर एक बोल रही है। क्या हम बात नहीं कर सकते? जी जी। क्या बात नहीं कर सकते? ठीक है, मैं खुद आकर बात कर लेती हूँ। बेगम नंबर एक ऑफिस तशरीफ ला रही है। ला रही है तो आने दो, नहीं मुझे जाने दो। मिस रोजा उठाओ हमारे जनाजे को। हेलो, हेलो, लीलाशा बोल रही हूँ, साहब को फोन दो। सर, बेगम नंबर दो। ओह माय गॉड, वही डायलॉग रिपीट करो। हेलो जी, साहब मीटिंग में मसरूफ है, बात नहीं कर सकते। क्या कहा? बात नहीं कर सकते? मैं खुद ऑफिस आके बात कर लेती हूँ। जी जी सर, बेगम नंबर दो भी ऑफिस आ रही है। दोनों बीवी आ रही है, अब हमारा क्या बनेगा? सर, बेहोश होने से कुछ नहीं होगा, होश में आइए वरना चेहरे का नक्शा और ज्यादा बिगड़ जाएगा। मिस फिरोजा, हम बाथरूम जा रहे हैं, तुम दोनों बीवियों को बाहर जाके संभालो और जैसे ही इत्तेहाद मिले हमें बाथरूम में दो। सर, बेगमात को ही बाथरूम तक ना पहुंचा दूं। अपनी शौहर कहती है, आवारा औरत मेरे शौहर के साथ फिल्में देखती है, क्या करती है आवारा? बकवास बंद कर। आई से शायद आपसे कहती हूँ, आप दोनों आपस में लड़ती हैं बेगम साहबा, आप दोनों को। अच्छा, तो बड़ी हमदर्दी है इससे। मेरा ख्याल है इसके पैगाम भी तू ही पहुँचाती होगी। है जा, जरा मैं तुझे ठीक कर लूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बेचारी का क्या कसूर है? मुझसे बात कर बेहद बच्चे नवाड़ा। मुझे मत मारिए बेगम साहबा, मैंने तो आपका पैगाम भी पहुंचा दिया था। अच्छा, तुम तो इसके पैगाम पहुंचाते हो, अब तो मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साहब जी, आपकी दोनों बेगमों ने सेक्रेटरी का मार मारकर हशर कर दिया है। हशर होने दो, वो इसी काबिल थी। आगे के हालात बताओ। अभी बताता हूँ। तो बच गई है, मगर आपकी दोनों बेगमात एक दूसरे पर अटैक करने के लिए पल तोड़ रही हैं। हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। हालात ठीक हो जाएंगे। सर, मुक्के की आवाज। अच्छा जी, बड़ी बेगम ने छोटी बेगम को गिरा दिया है सर। गिराने दो, उठाना मत। जी बहुत बेटा। सब जी, छोटी बेगम ने बड़ी बेगम का हशर कर दिया है। करने दो। अच्छा जी। दोनों एक दूसरे के बाल लोच रही हैं, उन्हें बचा लीजिए सर, नहीं तो गंदी हो जाएंगी। कोई बात नहीं, दोनों नीचे लगाती हैं। साहब, बेगमात लड़ते लड़ते
बेहोश हो गई। अच्छा तो इसका मतलब है कि मेरे भागने का वक्त आ गया है। अरे क्या फायदा हुआ इस लड़ाई का? औरत कौन है? ये मेरी दूसरी बीवी। ये औरत कौन है? ये मेरी पहली बीवी। इसका मतलब है तुम मुझसे धोखा करते रहे हो। प्यार से मारा है। झूठे मक्कार। ये बहुत प्यार से मारा है। मुझे रुक जाओ। ये पानी मैं पीऊंगा। मर जाने तो इन दोनों चुड़ैलों को। मैं खुशी करने के लिए जा रहा हूं। मुझसे काम लीजिए सर। उल्लू के पट्टे। अब तू ही मुझसे काम ले। मैं ऊपर छत पे मरने के लिए जा रहा हूं। क्यों लड़ाई में वक्त जाया करती हैं बेगम साहबा? अपने खावंद की फिक्र कीजिए। मुझे उस बेवफा की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने आपसे बेवफाई नहीं की। वो तो आपकी मौत का सुनकर महीनों रोते रहे थे। तुम बसते हो, जब मुझसे शादी हुई थी तो उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उनके आंसू तो वक्त के सह जूस ने पी लिए थे। उन्होंने आपके जज्बात की खातिर अपनी पहली बीवी की मौत का जिक्र ही नहीं किया आपसे। नहीं किया था तो क्या मैं जिम्मेदार थी उसकी पहली शादी? यही तो उनकी बदनसीबी है। दरअसल वो आप दोनों की जज्बात की खातिर आपकी बात इनसे और इनकी बात आपसे छुपाते रहे हैं और इसी भागम दौड़ में उनका बुरा हशर हो गया है और वो खुदकुशी करने जा रहे हैं। अगर आप दोनों की सुलह ना हुई तो वासत की छत पर से कूद कर मर जाएंगे। मर जाएंगे और आप दोनों बेवा हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों को सुलह करेंगे। फौरन कर लेनी चाहिए। बहन चलो चल कर जाहिद को बचाए। जल्दी चलो चलो। मैं दो बीवियों से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं जमीन जानता हूँ कि खुदकुशी हराम है, लेकिन आज दो लड़ाका मुर्गियों में एक मुर्गा हलाल नहीं हुआ, हराम मौत पर रहा है। मुझे और दाद से नफरत हो चुकी है, नफरत हो चुकी है। इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं चलान लगा रहा हूँ। इससे नहीं इससे। क्या होता है? रुक जाओ, क्या होता है? खुदा के लिए खुदकुशी मत करो। क्यों ना करूँ? मैं तुम दोनों को बेवा बनाकर इंतकाम लेना चाहता हूँ। मेरी बेचैन रूह नींद में आकर तुम दोनों का गला घोटेगी। मैंने तो जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन ये नहीं चाहता कि मेरी तरह दूसरे मर्द को बीवियां करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं जा रहा हूँ, चलान लगा रहा हूँ। हम दोनों बहने भी तुम्हारा जरा खुदकुशी करेंगे। दोनों बहने, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? यकीन नहीं आता। हमने दिल से अहद कर लिया है एक घर में रहने का, तुम्हारी खिदमत करने का, जान बाज करने का। अब कहीं कोई नया फ्रॉड करने का इरादा तो नहीं? नहीं जान, नहीं।
हमसे कसम देना, मान जाओ हम दोनों के इकलौते शोहर। इकलौते शोहर? एक निहान में दो तलवारें समा सकती है? मेरे मौला, इसलिए खुदकुशी करना पोस्टपोन मेरी प्यारी दीदियों। उफ ये बीबियां, उफ ये बीबियां, ये प्यारी प्यारी बीबियां, मिलजुल के रहती हैं, सरताज करती हैं, ये मेरी बीबियां, ये प्यारी बीबियां, मेरी बीबियां, मेरी बीबियां, ये प्यारी प्यारी बीबियां, मिलजुल के रहती हैं, सरताज कहती हैं, ये मेरी बीबियां, ये प्यारी बीबियां, मेरी बीबियां।